आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ, ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और परिवार। यूं तो सच से ज्यादा खूबसूरत होते हैं ख्वाब, लेकिन कुछ सच्चाइयां रेशमी सपने से गुदगुदा जाती हैं। उस रोज नैना का दिल धौंकने की तरह धड़का था, वो मायावी मृक्ष होने की तरह दौड़ रही थी कुलाचे भरती हुई, मन पंछी बन गया था, खुशियों की बौछार यूं हुई जैसे तपती धरती पर पड़ी हो बारिश की बूंद। डायरी उठा लिखने बैठी थी कि कलम रुक गई एक सफे पर, चंदन की अगरबत्ती पूरी फिजा में महक उठी थी जब गूंजा था विविध भारती से ये गीत। गाने की फरमाइशें तो नीलाव करता है अक्सर विविध भारती पर, फिर इसे कैसे पता कि ये गाना मुझे बेहद पसंद है। नैना सोच में डूब गई। वो दिन था जब बेला चमेली, गुलमोहर, अमलताश और बहुत सारे फूल एक साथ खिल उठे थे, जब एफएम बैंड वाला नया रेडियो सेट घर में आया था। बस उसी दिन से रेडियो उसका सबसे प्रिय साथी बन गया था। अपने कामकाज के साथ, पढ़ाई के साथ,
रेडियो के कार्यक्रमों को वो अपने दिल के कागज पर नोट करती रहती। रेडियो से बजती ये आवाज पहाड़ी झरने की तरह उसके होठों से झर रही थी। आसमान से जैसे नूर बरस रहा था। नीलाभ जैसे उस रेडियो सेट के भीतर बैठकर एक एहसास की तरह बज रहा था। सवार होकर आया था प्यार का पैगाम। नीलाभ रेडियो पर फरमाइशें भेजता, अक्सर ही उसका नाम सुनती नैना। उसकी भेजी चिट्ठियां अक्सर ही रेडियो पर पढ़ी जाती। हैरान होती नैना कि ये शख्स कैसे इतना दीवाना हो सकता है, पर नैना को पता नहीं चला वो भी रेडियो की दीवानी कैसे हो गई। कब चुपके से रेडियो उसका हमसफर बन गया खबर ही नहीं हुई।
कार्यक्रम का शेष भाग आपको सुनवाएंगे इस छोटे से अंतराल के बाद।
दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। एक दिन जब विविध भारती से उसकी चिट्ठी किसी उद्घोषक की खनकती आवाज में पढ़ी जा रही थी, ठीक उसी वक्त बेल बजी। नैना के नाम एक अनजान खत आया। वो खत नहीं था बल्कि जैसे प्यार का महासागर था। शब्द बूंद बूंद झर रहे थे, लिखावट मोती जैसी, प्यार की इबारत मखमल सी। नैना के होठ मुस्कुराहट से हिले और फिर आंखों में हैरानी के बादल तेराए। तो नैना को रेडियो से ही मोहब्बत हो गई। रेडियो की वजह से ही आया था नीलाब के प्यार का पैगाम। रेडियो के दो चाहने वालों के दिलों के आपसी तार भी जुड़ गए। तुम्हें नए गाने पसंद हैं या पुराने, नीलाब ने पूछा था। दरअसल रेडियो से बजने वाले सारे गाने मीठे लगते हैं, नैना ने कहा था। तुम गजलें सुनती हो और मैं उन गजलों को रेडियो की आवाज बढ़ाकर विविध भारती के संग संग गुनगुनाती थी। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे,
से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे चला कर तू, ये रीत अमर कर दू, नई रीत चला कर तू, ये रीत अमर कर दू। आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, आकाश का सूनापन मेरे तन्हा मन में, पायल छन काती तुम जाओ जीवन में, सांसें देकर अपनी संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, मेरा गीत अमर कर दो। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, सब जीता किए मुझसे मैं हर दम ही हारा। तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को सुनना, उसे गुनना और उसकी जानकारियों को अपने नोटबुक में नोट करना, नीलाभ और ये सब नैना का भी शगल बन गया था। रेडियो के तार ने उन दोनों के मन के तार को जोड़ दिया था। मोहब्बत भरे गीतों के एहसास को वे एक दूसरे से साझा करने लगे। रेडियो सुनने के उसके शौक ने उन्हें इतने करीब ला दिया कि वे अजनबी से एक दूसरे के हमसफर बन गए। न जाने कहां तुम थे, न जाने कहां हम थे, जादू ये देखो हम तुम मिले हैं। न जाने कहां हम थे, न जाने कहां तुम थे, अब तो मिलन के सपने खिले हैं। न जाने कहां तुम थे, न जाने कहां हम थे,
तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें अब तुम न जाना, छुड़ा कर ये बाहें। न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। किसे था पता यूं हम तुम मिले, किसे था पता यूं हम तुम मिलेंगे। उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे, उजड़े हुए दिल फिर से बसेंगे। मोहब्बत के बंधन में हम तुम बंधेंगे, न जाने कहाँ तुम थे, न जाने कहाँ हम थे। जादू ये देखो हम तुम मिले हैं, न जाने कहाँ हम थे, न जाने कहाँ तुम थे। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर ये थी नैना और नीलाभ की कहानी। रेडियो ने न जाने कितने शहरों को, लोगों को जोड़ा, न जाने कितने प्रदेश को जोड़ा, एक शहर से दूसरे शहर, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में बैठे लोग रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़े। अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।